तो फिर और कैसे हो मेरे भाई। आई होप तुम लोग अच्छे हो। तुम आ चुके हो अपने भाई की एक और जबरदस्ती वीडियो के साथ। तो मेरे भाई अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर देना, लेकिन यार उससे इसी के साथ एंट्री होती है मिलिट्री बेस में और आसपास यहाँ ढेर सारे बंदे, तो हमेशा करें तब से पहले तुम्हारे भाई लूटा मिलिट्री करे और उसके बाद फिर लोंडो को भरेगा। तो यहाँ पर आता हूँ तो फटाफट लूटे लट्टी मिल जाती है। तभी मेरे सामने बंदा सामने बॉट वॉट को मार रहे होते हैं, तभी मुझे साउंड आता है कि कोई बंदा आ रहा है। तो देखो मैंने भाई साहब को बहुत जल्दी थी, तो देखो यार इनका किंग क्या है। चाचा मियाँ को बहुत जल्दी थी और तुम्हारे भाई इजीली यार इनको लॉबी पहुँचा देता है। तभी तुम्हारे भाई को साउंड आता है कि इसके बंदे आगे आके कैफे में जा चुके हैं जो कि कॉफ़ी पीने के लिए। तो देखो यार इनको कॉफ़ी पिलाते हैं। अब तुम्हारा भाई यहाँ पर अपना आईक्यू लगाता है, बंदे से कहता है मैं खोल के भाई तू पीछे साइड आ और इससे में तेरा भाई कवर देगा। तो देखो यार इसकी पेटी। तो यार अपने बंदे को नॉक डलवा के सामने वाले बंदे को नॉक मारने वाले को कहते हैं शादान। इसी के साथ तुम्हारा भी हवा गब जल्दी से पावर लगाएगा और फिर देखो इसलिए इन भाई साहब को नॉक करके फिनिश करके सीधे इनको लॉबी पहुंचा देते हैं और उनको कॉफ़ी पीने की बहुत जल्दी थी और इनको लॉबी पहुंचा देते हैं। और फिर जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव देके कहते हैं कॉफ़ी अगर पीएंगे तभी इनका एक बंदा और आ जाता है। तो यार ये 1v4 अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी यार दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी तुम्हारा भाई लेकर आता था अच्छे अच्छे वीडियो, इसलिए यार कर ही देना सब्सक्राइब। बाकी तुम्हारा भाई आगे जा ही रहा होता कि तभी याद आता कि छत पे कोई अपने कपड़े सुखा रहा था। तुम्हारा भाई देखने जाता ही है और देखो यार अब क्या ही गंदा सीन है। बस अब इजीली यहाँ पर भाई सब कपड़े वगैरह सुखा रहे होते हैं अपने बर्फ़ वाले और इजीली तुम्हारा भाई इनको पहुँचा देता है भाई लॉबी। और लॉबी पहुँचाने का तुम्हारा इस साइड आता ही है कि तभी यार हमारी फ्लेयर आ ही रही हुई थी, तो इतनी खुशी देखते देखते तभी एक बॉट भाई है। अब बॉट भाई ने थोड़ा मुझे लेट करा दिया, लेकिन मैं पागलों के एकदम भागता हूँ कि यार मुझे जल्दी से AMR चाहिए। और भाई AMR मिल जाती है तो साथ में फ्री फंड में ऑग भी हाथ में आ जाती है और इसका नुकसान दे जनत हमारे पास ऑग आ जाती है और हमारी टीम में M4 उठा लेते हैं। का ही भाई जहर लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब इस साइड जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से कोई भाई साहब अपने गर्लफ्रेंड के संग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जैसे इनको उतार देता हूँ तो पता चलता है ये तो लेने जा रहे थे बेचारे छोना बाबू वाले थे या दिए थे, और यहाँ पर ये उतर जाते हैं और फिर यहाँ पर ये अपने कपड़े वगैरह फेंकने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये सब सही नहीं है, तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे मुझे मत दो। और फिर ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई इसको फिर छोड़ देता है, लॉबी पहुँचा देता है, मोक्ष दे देता है। और तुम्हारे भाई ये आगे साइड जाहिर होते हैं अपने टीममेट को परेशान कर रहे होते हैं, टायर वगैरह पंचर कर रहे होते हैं। तुम्हारे भाई नया पंचर का बिजनेस स्टार्ट किया है इसने, तभी भाई सामने से एक गाड़ी आ रही होती है गलती सी। तो तुम्हारा भाई तो ये अपनी स्कीमों की बात कर रहा था कि यार पंचर की नई दुकान खोली है तो गाड़ी में पंचर करो और फिर यार हम ऐसे ही करके पंचर करके पूरे रेंगल को बुला करेंगे। तभी यहाँ पर बंदे इजीली मार देते हैं और ये स्क्वाड भी वाइप हो जाता है मजाक मजाक में। तभी हम कह रहे होते हैं यार पंचर की मेरे बिजनेस ख़राब हो चुका है इस बैग के चक्कर में, क्योंकि यार अब कोई भी जो है वो यूज़ नहीं करता। तो इसलिए तुम्हारा भी फटाफट इसको बना के देखता है कि इसमें क्या फ़ायदा है यार, हमारा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा, वरना इसका स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं और देखो यार अब यार हम कहते हैं एकदम यार पोचंकी में एकदम उतरेंगे और तबाही मचा देंगे अरबियों की डोंगरी में। और जैसे हम यहाँ उतरते हैं तभी यही हमारे संग हो जाता है धप्पा। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो यार कोई होता ही नहीं है। तुम्हारे भी तभी मिन जा थोड़े बन के एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, करते करते मेरे पैर टूट जाते हैं और नीचे गिर जाता हूँ। तभी इस साइड आ ही रहते हैं तभी गाड़ी हमारे पीछे लग जाती है, मतलब हम गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। तो देखो यार अब क्या ही गलत सीन है। बस
भाई गाड़ी से उतर के मारने वाले को शादन कहते हैं। पूरे टीममेट ने पूरे जेल और जान लगा दी, लेकिन मारा तो यार तुम्हारे भाई ने ही। और यार थोड़ा गला बैठ रहा है तो यार वॉइस ओवर थोड़ा अच्छा ना हो तो माफ़ कर देना। बाकी यार तुम्हारा भाई इस साइड आ ही रहा होता कि तभी टीममेट बताते हैं ऊपर कुछ लौंडे हैं जो कि पहाड़ी पर हाइकिंग कर रहे हैं। तो देखो यार अब भाई का मतलब MG5 OP बोलते हैं यार, मतलब क्या ही गंदे तरीके से इनको भरा है लौंडों को। इनको समझ में भी आया हुआ कि एकदम तूफान तूफान वाला गाना गाते हुए कौन आ गया भाई। और तभी हम इस साइड आते हैं तो भाई मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पर कुछ शेष नाग वगैरह नागिन है, तभी गिली बाबा स्पॉट होती हैं। तो देखो यार अब इनको क्या ही गिली बाबा को लॉबी पहुँचा। तो गिरी बाबा तगड़े तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे शेष नाग बनने की, और यहाँ पर इजी भाई इजीली तुम्हारा भाई उनका पसरा दबड़ देता है, वो भी MG5। और फिर इस साइड आ ही रहे होते हैं कि देखने के लिए यहाँ पर बंदे नहीं है, तभी पता चलता है हमारा टीममेट तो पूरे बंदे फिनिश कर देता है। तो तुम्हारे भाई इस साइड आ जाते हैं। अब यार हमारे दिमाग में आता है कि यार लास्ट बंदा रहेगा, तुम्हारा भाई एकदम जोश में ढूंढने लगता है कि भाई मैं मारूंगा। तभी टीममेट कहता है कि यार मुझे मारने देना, लास्ट बंदा है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है तू मार देना। तभी एक बंदा नॉक कर देता है। तो देखो यार अब तुम्हारे भाई को मार नहीं सकता तुम्हारा भाई, लेकिन मैं टीममेट को भी बचा कर दिखाएगा। देखो यार अब तो यार खेली खेल में मेरे टीममेट के चक्कर में पेटी डल सकती थी। तो आज की वीडियो यहाँ तक की नहीं थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो तक के, बाय बाय।